हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। देख लीजिए, मैंने बैंक निफ्टी का व्यू आपको बताया था कि इस वाले सपोर्ट के नीचे अगर मुझे यहाँ कहीं पे मिलकर नीचे के साइड में ब्रेकआउट करता है, मैं छोटा मोटा क्वांटिटी नीचे के साइड में प्ले करूँ, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट का ये वाला जो हाई है, यहाँ कहीं पे मार्केट इस वाले ट्रायंगल के बाहर कहीं पे ओपन होकर रेंज बना के ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करेगा, तो मैं ऊपर के साइड में एक क्वांटिटी प्ले करूँगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे गैप कर दिया, तो मैं सोच में पड़ गया कि अभी मार्केट क्या करेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक जो फॉल गिरा था वो मैं ले सकता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से आके बैंक निफ्टी यहाँ से वापस घूम सकते हैं, तो इसके लिए मैं वेट कर रहा था। और ये वाला जो सेटअप है, यहाँ से मार्केट घूम सकता है, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम पे शेयर किया था, लेकिन वो सेटअप एक्सपायर हो गया क्योंकि मार्केट नीचे नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। उसने उस वाले लेवल को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, मार्केट सडनली वहाँ पे नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं वेट कर रहा था मार्केट के लिए, अच्छे सेटअप के लिए। तो फिर यहाँ से कहीं पर हम लोग ने एक पोजिशन बनाई थी, तो मैं आपको वो वाली पोजीशन दे नहीं पाया क्योंकि ये जो वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है वो 70 से 80 पॉइंट का कैंडल है, और उसी कैंडल में हम लोग का एंट्री हो गया था। बैंक निफ्टी 47,000 का समथिंग कुछ एक कॉल था 140 पे, तो 140 पे हमने बाय किया था उसको, और उसको आपको कॉल देते देते वो 180 तक चला गया था, तो मैंने बाद में आपको कॉल नहीं दिया। फिर उसको मैंने 260 पे एग्जिट कर दिया, और 275 का कुछ उसने हाई लगाया था। तो देखिए, बाद में मेरा एक जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो मेरा 130 पे चला गया, तो उसके बाद मैं मार्केट छोड़ दिया, मैं मार्केट देखना छोड़ दिया। फिर मैं रुक गया था, मैं देख रहा था कि कुछ अच्छा सेटअप मिले तो आपके साथ भी शेयर करूँ और मैं भी उसके साथ में ट्रेड करूँ, लेकिन वैसा कुछ मुझे सेटअप मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मुझे एक यहाँ पे छोटा सा सेटअप दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ से एक आपको छोटा सा मोमेंटम 30-40 पॉइंट का मैंने फ्री टेलीग्राम पर शेयर किया था, आप देख सकते हो। तो वाला जो मोमेंटम है वो हम लोग ने 46,600 सी दिया था 275 पे, उसको बाय करने के लिए बोला था, उसने 275 से लेके 340 तक कुछ मूवमेंट दे दिया। तो देखिए, यहाँ पे अभी रेंज में आपको ऐसे छोटे छोटे ट्रेड्स ही मिलते रहेंगे, आपको 30-40 पॉइंट, 20-30 पॉइंट जो भी मिलेंगे आपको लेके भागना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट 2 दिन से इस वाले रेंज में फंसा हुआ है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब मार्केट रेंज में रहेगा तो आपको छोटे मोटे पॉइंट्स लेके निकलना चाहिए, छोटी मोटी क्वांटिटी प्ले करना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में बोला है कि छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि 2-4 दिनों से जितना अपने को प्रॉफिट हुआ है उसमें से छोटे छोटे रिस्क लेके हमें हमारा कैपिटल सेफ रखना है, वो भी प्रॉफिट जो भी है वो भी अपने को सेफ रखना है। उसके बाद में जब अभी मूवमेंट आएगा मार्केट, जब इस वाले रेंज के पार, अगर मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पे रेंज बना के यहाँ से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करेगा, तो एक अच्छा मोमेंटम आ गया, तब आप ट्रेड कर पाओगे। अगर आप मान लीजिए इस वाले रेंज जोन में आपने ट्रेड कर करके अपना पैसा बर्बाद कर दिया, तो वापस आप इस वाला अच्छा वाला कॉल नहीं ले पाओगे, अच्छा वाला एंट्री आप नहीं ले पाओगे। देख लीजिए, नीचे के साइड में मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट यहाँ के रेंज बना के नीचे के साइड में ब्रेकआउट करेगा, तो इस वाले सपोर्ट के मोमेंटम आ सकता है, वो भी देखना पड़ेगा। मार्केट अगर ज़्यादा गैप डाउन या फिर ज़्यादा गैप अप करता है तो मैं यहाँ पे शांत बैठा रहूँगा, ज़्यादा गैप अप मार्केट ने कर दिया या फिर ज़्यादा गैप डाउन कर दिया तो मैं फ्री टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा। क्योंकि देखिए, मार्केट जैसे ओपनिंग देगा उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो मैं अभी आपको बता के रख रहा हूँ कि ये वाला जो रेंज है इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है, और इस यहाँ से कहीं पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिले या फिर यहाँ से नीचे के साइड में ब्रेकआउट मिले तो ही आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। तो ऐसे एनालिसिस वीडियो आपको फ्री टेलीग्राम पे आप हमारे देखने मिलेगी, यहाँ पे फ्री टेलीग्राम पे मैं ऐसे ही डेली चार्ट्स एनालिसिस शेयर करते रहता हूँ, फ्री कॉल्स भी शेयर करते रहता हूँ, तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।